पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां बता दें कुशीनगर पहुंचने के बाद वहां से नेपाल के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद नेपाल दौरे के बाद वो सीधे लखनऊ की ओर रुख करेंगे और लखनऊ के पहुंच करके मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री। और इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ कुशीनगर से हमारे संवाददाता संतोष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, किस तरह का अपडेट इस बैठक को लेकर के, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उतरेगा, उसके बाद से वो 9:25 से नेपाल देश के लुम्बिनी को चले जाएंगे, क्योंकि अभी पीएम के आने में कुछ समय है। लेकिन कुशीनगर प्रशासन सभी प्रकार की तैयारियों को पूरी कर ली है और पूरे कुशीनगर में पुलिस की एकदम से कहें तो चुस्त फुस्त एकदम से व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोई ढिलवाई नहीं है। सुबह से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं सुबह से पूरे कुशीनगर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम के इस दौरे को लेकर सभी प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था कहें या फिर सभी प्रकार की तैयारियां कहें पूर्ण कर ली गई। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर देखा जाए यहाँ कुशीनगर पहुंचेंगे तो किस तरीके से कार्यक्रम जो यहाँ पर संतोष है वो तय है? पहले कुशीनगर जाएंगे, फिर नेपाल के दौरे पर नजर आएंगे, उसके बाद फिर लखनऊ आएंगे, उस बीच में भी कुशीनगर के और रुख करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री? जी सीमा, बता दें कि चूंकि कुशीनगर नेपाल के काफी करीब होने की वजह से और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने मोक्ष को प्राप्त किया था और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो क्योंकि सबसे पहले नजदीक होने की वजह से पीएम कुशीनगर आएंगे और 9:25 से सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो नेपाल को लुम्बिनी चले जाएंगे। तो उसके बाद से वो शाम को 4:05 पर फिर कुशीनगर को रिटर्न आएंगे। उसके बाद से भगवान बुद्ध की अचेता अवस्था में जो प्रतिमा है उस पर वो विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। तो चूंकि पीएम का कार्यक्रम जो भी है शाम को 4 के बाद से कुशीनगर में है। बिल्कुल, और इस सब के साथ मंत्रियों के साथ जो अहम बैठक होनी है उनपे किस विषय पर चर्चा हो सकती है? तो क्या क्या वो अहम विषय होंगे, मुद्दे होंगे जिन पर प्रधानमंत्री जो है बैठक में चर्चा करते नजर आएंगे? जी बिल्कुल सीमा, बता दें चूंकि कुशीनगर से निकलने के बाद तो लखनऊ जाएंगे, तमाम मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, कोविड का भी समय, चूंकि कहीं ना कहीं कोविड भी इस समय अपना पैर धीरे धीरे पसार रहा है। हालांकि टीकाकरण भरपूर मात्रा में हो चुका है पूरे देश में, जिस तरह से पूर्व में कोविड ने अपना पैर पसारा, लाखों लोग काल के जाल में समा गए। तो तमाम मुद्दों पर, इन सब तमाम मुद्दों पर, विकास कार्यों को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम मुद्दों पर मंत्रियों के साथ आज पीएम का लखनऊ में बैठक है। बिल्कुल, और देखिए उससे पहले मंत्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो उसकी भी मांग की गई है कि 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के साथ डिनर करने का जो ये कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें क्योंकि पीएम के साथ डिनर का मामला है, क्योंकि पीएम जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उसके अनुसार जो भी मंत्री आएंगे सबका आरटीपीसीआर 24 घंटे के अंदर का होना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे फिर कोरोना जिस तरह से अपना पैर पसार रहा है, तो इसके मद्देनजर जितने भी मंत्री पीएम के साथ डिनर में शामिल होंगे तो उनका आरटीपीसीआर का रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर का होना जरूरी है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए।